Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel along with Sir Nishar Rahman. Today we discuss about the current affair paper. Current affairs ke 50 questions hain jo aapko different kind of exams mein aapko help karenge. Either wo municipal officer ka hai, town officer ka hai, assistant director, ASF hai, IB hai, FI hai, FPSC, SPSC, tamam cheeze mein aapko help karenge inshaAllah. क्वेश्चन नंबर वन है ऑन 24 जनवरी 2022 आर्मी ऑफ डेश कंट्री ऑस्टेड द प्रेसिडेंट रोज कोब्रो डिसॉल्व द नेशनल असेंबली यूक्रेन का बुर्किनो फासो का नाइजीरिया का कड़ ऑप्शन है बी है बुर्किनो फासो का प्रेसिडेंट को निकाला था आर्मी ने क्वेश्चन नंबर टू करंट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल हु स्टार्टेड हिज फर्स्ट विजिट ऑफ यूएई ऑन डेटेड 24 जनवरी 2022 अब यानी एक प्रेसिडेंट का नाम भी पूछ रहा है और उसका फर्स्ट विजिट कब हुआ वो भी मैंशन किया है इसाक हरजोग नफ्ता अली बेनित नाथन याहू नन ऑफ दिस तो सेकंड ऑप्शन है ए है तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसक्वालीफाइड रूलिंग पीटीआई सेनेटर एंड फार्मर एमएनए एंड फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडवा अंडर आर्टिकल इन ड्यूअल सिटीजनशिप केस 62(1)(IF) 62(1)(G) कड़ ऑप्शन है इसका 62 सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन किसको डिस्क्वालीफाई किया यहाँ पर फैसल वाडवा था और उसके अलावा वो क्या था फेडरल मिनिस्टर पावर वाटर एंड पावर था कि उसके अलावा ये सेनेट चुन हुआ था सेलेक्ट हुआ था सिंध असेंबली से डिस्क्वालीफाई हुआ था ड्यूअल नेशनलिटी की वजह से और उसका आर्टिकल लगा था ए ये तीन चार क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पाकिस्तान हैज़ बिन रैंक्ड ए डेश पोजिशन आउट ऑफ 180 कंट्रीज ऑन दिस ईयर्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 135th पे है 14th पे है 144th पे है डी एन एन ऑफ दीज कड़ा ऑप्शन इसका बी है 14th पे 140th पे 140 नंबर पे और ये सबसे पहले ये मैं आपको बताऊँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर है वो बर्लिन में है ये दो चीज़ें वो कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल उसका हेडक्वार्टर लंडन में है यूके में है वो क्वेश्चन ऑन January 28, 2022 द सेनेट ऑफ पाकिस्तान पास द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल बाय मेजॉरिटी डेश वोट्स यानी उसको सेनेट में कितनी मेजॉरिटी मिले थे वो बाय 42 कड़ ऑप्शन इसका है ए है 43 यानी इसका मेजॉरिटी 43 वोट्स टू 42 ऑफ यानी 40 अपोजिशन ने 42 लिए थे और हक में 43 आए थे क्वेश्चन नंबर है बलोचिस्तान कोस्टल लाइन लेंथ कितना है डिसाइडेड टू डिवाइड इट इन 7 पार्ट्स टू कंट्रोल इलीगल फिशिंग 1045 है 7500 है 600 है कितना है बलोचिस्तान कोस्टल लाइन बी है कड़ ऑप्शन और उन्होंने उसको डिवाइड किया है अब ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन 23 मार्च 2022 में ये कौन सा था 44th था 48th था 49th था या नन ऑफ दीज था तो रिसेंटली जो हुआ है ये 48th था लेकिन बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँ ओआईसी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज़ नहीं है ये एक सवाल आता है दूसरा सवाल ये आता है ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है जिद्दा में उसके मेंबर्स कितने हैं 57 हैं उसके जो कितने मेंबर हैं जो साउथ अमेरिका में हैं वो 2 मेंबर्स हैं उसके अलावा जो इसके क्वेश्चन आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज कितने वो 3 लैंग्वेजेस हैं उसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफ सुप्रीम कोर्ट द जस्टिस उमर अता बंदियाल ही इज कितना नंबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 27 थे 28 थे 29 थे नन ऑफ दीज है तो ये कड़ ऑप्शन इसका होगा बी है 28th व्हाट इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च 22 मार्च 21 मार्च मेट्रोलॉजिकल डे कौन सा कड़ा ऑप्शन है ए 23 मार्च जिसको मौसमियात का दिन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द वर्ल्ड वाटर डे 23 मार्च 22 मार्च 21 मार्च या नन ऑफ दीज 23 मार्च को तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल था तो वाटर डे होगा 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे वो तो हमें पता चला 22 मार्च को लेकिन व्हाट इज थीम थीम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम याद नहीं करते हैं कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल और बी है अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन और सी है वैल्यूइंग वाटर नन ऑफ दीज अब वर्ल्ड वाटर डे जो 22 मार्च 2022 को मनाया गया उसका जो थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल और 2021 में इसका था सी जो था वैल्यूइंग वाटर था उसका 2021 में थीम वो था 2022 में ए है
व्हाट इज़ अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022 थीम? वो तो डेट तुम्हें पता चलेगा, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। उसका थीम क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, वैल्यूइंग वाटर। हम ये तो पढ़ चुके हैं कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द जो इनविजिबल विजिबल, ये वाटर डे का 2022 का थीम है। अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे थीम 2022, अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे? फॉरेस्ट डे कब है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को, नन ऑफ दिस। अभी तो हमें समझ में आना चाहिए, पहले दो तो ऑलरेडी है, या तो नन ऑफ दिस। कर्ड ऑप्शन ए है 21 मार्च। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हमें क्लियर हो गई, एक तो 21 मार्च को फॉरेस्ट डे है, 22 मार्च को क्या है हमारा वाटर डे है, 23 मार्च को क्या है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तीन डेट्स। क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे थीम 2022? वो तो पता चल गया 21 मार्च को फॉरेस्ट डे, लेकिन इसका थीम क्या है? ए है फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। फॉरेस्ट डे का जो थीम था 2022 का वो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन था, और 2021 का जो थीम था वो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन था, और 2020 का जो था वो फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी था। ये थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। क्वेश्चन है, ऑन 17 जनवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस जजमेंट फॉर द अफेक्टीज ऑफ तरबेला डैम आफ्टर डेज ईयर्स रिजेक्शन द वापटास प्लेयर्स। यानी एक प्लेयर था जो उन लोगों ने वापटा के खिलाफ दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कितने अरसे के बाद दिया? 40, 50 या 60 सालों के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स। सी अमेजिंग ऑप्शन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर्ड फेडरल गवर्नमेंट टू अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 टू इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर चाइल्ड अब्यूज टू डेश इन जेल, 40 साल, 50 साल, 20 साल। करेक्ट ऑप्शन इसका है सी है 20 ईयर्स। अ क्वेश्चन है, जस्टिस आयशा मलिक टुक ओथ एज ए डेश फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 24 जनवरी 2020। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टार्टेड हिज हिस्टोरिक विजिट टू चाइना ऑन 25th February 2022, 23rd February 2022, 24th February 2022। यहाँ पर क्वेश्चन में इमरान खान विजिट टू चाइना नहीं, रशिया है, और रशिया का जो कड़ ऑप्शन है वो बी है, 23rd February 2022 है। फर्स्ट अफगान तालिबान डेलीगेशन विजिटेड टू यूरोप एंड बिगेन टॉक्स विद अफगान सिविल सोसाइटी इन, इससे पहले यानी अब वो तालिबान जैसे भी सेकंड टाइम पावर पे आए तो पहली मरतबा जो उन्होंने बात की थी वो कहाँ पे की थी? बेल्जियम, ओस्लो, पेरिस। करेक्ट ऑप्शन इसका है बी है, ओस्लो। क्वेश्चन है, नुसांथरा विल बी न्यू कैपिटल ऑफ भूटान, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, नन ऑफ दीज। कड ऑप्शन सी है, लेकिन अभी उसका क्या है? जकार्ता। जर्मन प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर वाज री इलेक्टेड टू सर्व डेश फाइव ईयर टर्म फॉर थर्ड टाइम, सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम। कड ऑप्शन बी है, सेकंड टर्म। द विनर ऑफ 2022 वुमेन्स 50 ओवर वर्ल्ड कप विल रिसीव प्राइज मनी ऑफ $0.92 million, $1.10 million डॉलर, $1.332 million और नन ऑफ दीज। कार्ड ऑप्शन सी। गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड न्यू बॉडी द फोरम ऑफ इस्लाम। कौन सी गवर्नमेंट ने ये फोरम बनाया है? फ्रेंच ने, जर्मन ने, कैनेडियन ने? फ्रेंच ने बनाया ये न्यू बॉडी। देश लेबर इसराइल एज अ apartheid state that treats Palestinians in inferior racial group। Arab League ने यह डिक्लेयर किया, लेबल लगाया उसके ऊपर, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने? करप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मैं पहले बता चुका हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल ये लंदन बेस्ड है, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये बर्लिन बेस्ड है। 48th OIC of Ministers Summit held in Islamabad, who was special guest? Special guest कौन था जो अभी recently 48th OIC का conference हुई थी? Foreign Minister of Russia, Foreign Minister of India, Foreign Minister of China, none of these। Card option Foreign Minister of China।
क्वेश्चन है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना कौन है जिसने ओआईसी पे विजिट किया था अभी रिसेंटली? करेक्ट ऑप्शन सी है वैंग ली। 48th समिट ऑफ ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022 एडॉप्टेड डैश पॉइंट्स 47 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स आर डी नन ऑफ दिस, जो इस्लामाबाद में भी रिसेंटली हुआ था, ये कितने पॉइंट्स उन्होंने अडॉप्ट की? कर ऑप्शन है 70 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जो होते हैं एजेंडाज होते हैं, यानी किन किन चीज़ों पे बातें हुई, किन चीज़ों पे डिसीजन हुए। कुछ ना वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st मार्च, 22nd मार्च, 23rd मार्च, 24th मार्च। कर ऑप्शन है 24th मार्च। देखें ये अभी ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ये चार हमने रिपीट किए हैं। पहले मैं बताया 21st मार्च को क्या था, फॉरेस्ट डे। 22nd मार्च को क्या है, आर्थ डे। 23rd मार्च को क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अब क्या पढ़ रहे हैं, 24th मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, यानी चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉलीवुड सुपरस्टार लता मंगेशकर डाइट एट द एज ऑफ 92 ईयर्स ऑन कब फोत हुई? 6 फेब 2021, 7 फेब 2021, 8 फेब 2022, 6 फेब। लता मंगेशकर डाइड ऑन 6 फेब 2022, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है पेका स्टैंड फॉर, अभी रिसेंटली हॉट इशू है पेका, पी फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, सी है प्रोहिबिटेड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट और डी है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। ये एब्रिविएशन है इसका, करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे थीम, डे तो हमें पता चल गया 24th, लेकिन अब अपने थीम को याद करना। थीम क्या है, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड आवर वेदर, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, द क्लॉक इज टिकलिंग एंड वेज टू एन टीबी सेव लाइव्स। तो कड़ा ऑप्शन इसका डी है। अब वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे 24th को है। अब द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड आवर वेदर, ये क्या था 2021 का जो था द ओशन, ये 2021 का जो ना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का जो था ना, ये क्या था वो थीम था 2021 का जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल थीम था वो द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर था। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ये दो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का जो था 2022 का जो है वो वर्ल्ड थीम में वर्ल्ड थीम है उसका डे का। द क्लॉक इज टिकलिंग, ये 2021 का ट्यूबर का टीबी का जो डे था, और लेकिन 2022 का जो है डी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर डैश डे एज इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन ए है। नेम ऑफ कंट्री विल टेक चार्ज ऑफ प्रेजिडेंसी ऑफ यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 में, कौन सा मुल्क यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चार्ज लेगा? यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, अल्बानिया। तो कट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यानी अप्रैल में सबसे ये कट ऑप्शन इसका बी है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझाना चाहूँगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका यूएनओ न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, जिसके करंट जो मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं, उसके अलावा उसके दो ऑब्जर्व मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं वो 6 हैं, लेकिन अभी 5, जो पहला जो है ना सेक्रेटरीट है, दूसरा आपका जनरल असेंबली है, तीसरा आपका ये सिक्योरिटी काउंसिल है, और फोर्थ आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक काउंसिल है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अभी है ना इन इफेक्टिव है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है यूएनओ का, वो हर साल के बाद चेंज होता है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके जो प्रेसिडेंट होता है वो हर मंथली चेंज होता है। तो मंथली सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं जिसको P5 कहा जाता है, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स 193 में उनमें से। तो अभी 2022 के अप्रैल में जो चार्ज लेगा आज वो यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड किंगडम लेगा, और मार्च में जो प्रेसिडेंट था वो यूएई था, और मई में यूएसए होगा, और उसके अलावा इसरा नेक्स्ट में अल्बानिया आएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रेजेंटेड अ रेजोल्यूशन टू डिजाइन मार्च 15 एज ए इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामिक फोबिया
ये कहाँ पे दिया था? OIC के कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स उस या यूनाइटेड नेशंस कमेटी को दिया था, या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को दिया था, या सार्क में दिया था? पाकिस्तान में ये चीज़ जो ए ऑप्शन है इसका, OIC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ था लास्ट, जो 47 हुआ था, उसमें उन्होंने दिया था कि ये 15 मार्च को इस्लामिक फोबिया डे किया जाए, लेकिन अभी इस साल UN ने इसको एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन है कि वेयर पाकिस्तान प्रेजेंट इन ए रेजोल्यूशन ऑफ डिजाइन मार्च 15 एज इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामिक फोबिया? वो तो था, उन्होंने सार्क में किया था, लेकिन वो सार्क के कौन से 44/7 OIC में किया था, नियामे नाइगर में किया था, यूनाइटेड नेशन के 74th सेशन में किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। ये हुआ था 47th सेशन में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब मसला क्या है कि 15 मार्च को कौन सा डेट है, वो कम्बैट इस्लामिक फोबिया है, कौन सा डेट है वो 15 मार्च है, पाकिस्तान इनिशिएट किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था, कब कहाँ पे किया था, वो OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल उसमें किया था, और उसके अलावा कौन सा सेशन था वो OIC का, वो 47th सेशन था, और वो 47th सेशन कहाँ पे हुआ था OIC का, वो होता नियामे में, नियामे नाइजर का कैपिटल है, वहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, और उसके अलावा और उसी तरह जो अभी रिसेंट है वो 48th सेशन ऑफ OIC ऑफ CFM है, वो वहाँ पर हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। 47th OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन नियामे नाइजर इन 27-28 नवंबर 2020, 22-23 मार्च 2022, 22-23 मार्च 2020, 27-28 नवंबर 2021। थर्ड ऑप्शन है ए है, 27-28 नवंबर 2020। क्वेश्चन, व्हेन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एडॉप्टेड बाय अ कंसेंसस अ रेजोल्यूशन मूव्ड बाय OIC टू डिजाइनेटेड 15 मार्च डे टू कम्बैट इस्लामिक फोबिया, 15 मार्च 2022 को, 21 को, 20 को, 15 मार्च 2022 को उन्होंने अडॉप्ट किया। हाउ मेनी कंट्रीज स्पॉन्सर द रेजोल्यूशन ऑफ 15 मार्च इस्लामिक फोबिया डे बिसाइड्स 57 मेंबर्स ऑफ OIC? यानी OIC के तो मेंबर उन्होंने किया था, उसके अलावा OIC के मेंबरों के अलावा कितने मुल्कों ने उसको तायद किया था कि ये होना चाहिए? 8 मेंबर्स ने किया था, 9 ने किया था, 10 ने किया था, 11 ने किया था। करेक्ट ऑप्शन ए है। पाकिस्तान रैंक्स देश amongst high burden countries in the world according to National Institute of Health at 6th, 5th, 4th? Third option is C. By 2020, maintaining the treatment so success rate of Daesh of TB in Pakistan 81%, 91%, 99%, 100%। ट्रीटमेंट एंड पाकिस्तान का 91% है बी। अनारकली लाहौर ब्लास्ट इंक्लाइंट ऑन डेटे डेश रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्ड बाय द इथनिक ग्रुप ऑफ बलोचिस्तान BNP 25 जनवरी 2022 को हुई थी, 23 जनवरी, 21 जनवरी, 20 जनवरी? अनारकली ब्लास्ट 20 जनवरी 2022, डी ऑप्शन। तवाकेंदो चैम्पियन 2022 शेड्यूल्ड इन पाकिस्तान, द तवाकेंदो क्या है? तवाकेंदो इज फॉर्म ऑफ कोरियन मार्शल आर्ट है, फॉर्म ऑफ जापानीज मार्शल आर्ट है, फॉर्म ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट है, फॉर्म ऑफ GB मार्शल आर्ट है। इट इज़ फॉर्म ऑफ कोरियन मार्शल आर्ट 2022 पाकिस्तान। सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020, इंक्लूडिंग वर्किंग बाउंड्री एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, टोटल बॉर्डर लेंथ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज 1700, 3245, 3163 किलोमीटर, 2220 किलोमीटर। कार्ड ऑप्शन इसका 3163। द एशियन तवाकेन तेक्वांदो चैम्पियनशिप 2021 हेल्ड इन लेबनान इन पाकिस्तान वन मेडल्स। तवाकेंदो जो 2022 का पाकिस्तान में हो रहा है, तो 21 में कितने जीते थे? 2 गोल्ड 3 सिल्वर, 5 सिल्वर 3 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 3 ब्रोंज। कट ऑप्शन है डी है, 5 सिल्वर और 1 ब्रोंज पाकिस्तान ने जीते थे। करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट इन इज बिलोंग टू न्यू बॉर्न खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट। खैबर पख्तून डिस्ट्रिक्ट जो अभी का डिप्टी चेयरमैन है, अगर ये सो फार आज 1 अप्रैल तक यही है, मिर्ज़ा खान आफरीदी।
मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मिर्जा फरमान आफरीदी, सैद जहूर आगा, तो ये करंट ऑप्शन इसका है मिर्जा खाकान आफरीदी, 1 अप्रैल 2022 तक यही है। अगर 3 अप्रैल तक के बाद चेंज होता है तो वो अपडेट करेंगे आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, पीएम पाकिस्तान इनॉग्रेटेड एहसास सेविंग वॉलेट इनिशिएटिव प्रोग्राम फॉर पुअर्स इन इस्लामाबाद 25 मई 2021, 24 मई, 23 मई, 21 मई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं काड़ा शाह, 24 मई, ये डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। एहसास राशन रियासत अनाउंसड बाई PMIK टू हेल्प पुअर्स ऑन डेटेड 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद करने के आते हैं एग्जाम्स में। एहसास राशन रियासत 3 नवंबर 2021, बी ऑप्शन। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, PM लॉन्च एहसास नशोनुमा प्रोग्राम ऑन 13 अगस्त 2021 में इन खैबर डिस्ट्रिक्ट फॉर चिल्ड्रेन अंडर डेज ऑफ एज, यानी कितने एज के बच्चों के लिए उसने स्टार्ट किया था ये, 23 मंथ के बच्चों के लिए, 23 वीक वाले बच्चों के लिए, 23 ईयर्स के बच्चों के लिए, 18 ईयर्स के लिए। करेक्ट ऑप्शन है 23 मंथ्स के बच्चों के लिए एहसास नशोनुमा प्रोग्राम खैबर में 13 अगस्त 2020। ये था आज का हमारा 12th पेपर, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और उसके अलावा तमाम जो असिस्टेंट डायरेक्टर डिफरेंट FIA, IB, ASF या डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोग्राम सबके लिए आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, टेक केयर, सस्टेन, अस्सलाम वालेकुम।